खबर पेंशन को लेकर है। जिन लोगों को पेंशन मिलती है उन्हें ट्रेजरी विभाग के अंदर एक बार साल के अंदर जो है लाइफ सर्टिफिकेट जो है जमा करवाना पड़ता है। इसको लेकर एक खबर है कि ये जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है इसकी लास्ट डेट जो है नवंबर में थी, इसे फ़िलहाल एक्सटेंड कर दिया गया है। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो फैमिली पेंशन जिनको मिलती है उनको ट्रेजरी और बैंक में साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है, जो कि नवंबर की एंडिंग में करवाना पड़ता है, यानी कि इसी महीने की एंडिंग में करवाना पड़ता है। लेकिन इस बार जो है सरकार ने फिलहाल लोगों को परेशानी ना आए इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। अब आप 26 दिसंबर 2023 तक जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो ट्रेजरी या बैंक में जमा करवा सकते हैं। ये नवंबर तक की डेट थी लेकिन अब इसको जो है बढ़ा दिया गया है थोड़ी सी लोगों की सहूलत के लिए। इसलिए मैं लोगों को जानकारी दे दूं कि जो लाइफ सर्टिफिकेट उनको जमा करवाना पड़ता है पेंशन के लिए वो बैंक में ही जमा कराते हैं कई लोग या फिर ट्रेजरी में, तो उनको फ़िलहाल डेट उनकी एक्सटेंड हो चुकी है। अब उनके पास समय जो है 26 दिसंबर तक का है। 26 दिसंबर तक आप जो है ये लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं और आपकी पेंशन जो है उसको कोई भी रुकावट नहीं होगी। आपकी पेंशन जो है जैसी है वैसी चलती रहेगी। इसलिए आप वो परेशान मत होइएगा कि नवंबर में सर्टिफिकेट जमा कराना था तो अगले महीने पेंशन नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 26 दिसंबर तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। धन्यवाद, राम राम। इस खबर को मैक्सिमम शेयर करें गांव-गांव तक, ताकि जिन लोगों को फैमिली पेंशन मिलती है उनको ये खबर पहुंच जाए। राम राम, सनातन धर्म की जय।